इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपाल गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां बीजेपी नेता की दबंगई के बाद सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। कमलनाथ ने फेसबुक पर वीडियो शेयर किया है। जी हां, चैनल नंबर 1 का वीडियो कमलनाथ ने अपनी ऑफिशियल फेसबुक वॉल पर शेयर किया है। बीजेपी नेता राहुल तिवारी ने धमकी दी थी, एक युवक को ये धमकी दी थी, इसका ऑडियो वायरल हुआ था। धमकी में राहुल तिवारी ये कहते नजर आए थे कि तुम्हें जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा, तुम जिले की सीमा में आओगे तो जान गंवा दोगे। इस प्रकार की धमकी एक बीजेपी नेता के द्वारा दी गई थी, राहुल तिवारी के द्वारा धमकी दी गई थी। उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसे अपने ऑफिशियल फेसबुक वॉल पर शेयर किया है और लिखा है, शिवराज जी ये आपका कैसा कुशासन है जहां लोगों को धमकियां मिल रही हैं। राहुल तिवारी पर है कई आपराधिक मामले दर्ज, ये अपडेट भी मिल रहा है। मारपीट धमकी देने जैसे रोज मामले इन पर दर्ज होते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, ये आरोप लगा है बड़ा। और पिछले साल राहुल ने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो जिले में घुसने पर जान से मारने की धमकी, और कमलनाथ ने अब अपनी ऑफिशियल फेसबुक वॉल पर इसे शेयर किया है। चैनल नंबर 1 की खबर पर बड़ी मोहर, बड़ा असर। हेलो, तो आप बता दो ना, आपसे छोटा अपना छोटा भाई समझ के मेरे बता दो। आप मेरे को इतना नहीं बता सकते, अब आमने सामने बात करेंगे तुमसे या तुम्हारे परिवार का जो मिल गया वो बताएगा आप समय। तो आप मेरे को दो एक चीज और, अपने घर वालों को बता देना। हाँ, सामान लेने मेहरौनी जाए वो। क्या? सामान लेने मेहरौनी जाए घर परिवार वाले, धोखे से अगर इस तरफ आ गए ना तो जिंदा नहीं पहुँचेंगे वहाँ पर। तो आप प्रॉब्लम तो बता दीजिए क्या है। क्या बताए, फोटो है, ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया गया था चैनल के द्वारा, और उसके बाद कमलनाथ ने इसे शेयर किया है, अपनी ऑफिशियल फेसबुक वॉल पर शेयर किया है। कटघरे में सरकार है अब, कमलनाथ ने फेसबुक पर शेयर किया है इसे। सवाल किया है सूबे की शिवराज सरकार से कि एक ऐसा कुशासन है जहां एक युवक को जिले में घुसने नहीं दिया जाता है। आखिर राहुल तिवारी जो बीजेपी के नेता है, उन्हें किसने ये अधिकार दिया कि वे कह दें कि उस युवक को फोन पर वो धमकी दे रहे हैं कि वो जिले में नहीं घुस सकता है, उसे कहीं और से अपना सामान लेना होगा, कहीं और से चीज़ें खरीदनी होंगी। आखिर इन्हें जिले का ये मुखिया किसने बना दिया और किसने ये अधिकार इन्हें दिया कि ये जिले में किसी को घुसने नहीं देंगे। एक बार हम आपको फिर सुनाएंगे वो ऑडियो। इस ऑडियो में स्पष्ट रूप से राहुल तिवारी कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हें जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। हेलो, तो आप बता दो ना, आपसे छोटा अपना छोटा भाई समझ के मेरे बता दो। आप मेरे को इतना नहीं बता सकते, अब आमने सामने बात करेंगे तुमसे या तुम्हारे परिवार का जो मिल गया वो बताएगा आप समय। तो आप मेरे को दो। और सुनो एक चीज और, अपने घर वालों को बता देना। हाँ, सामान लेने मेहरौनी जाए वो। क्या? सामान लेने मेहरौनी जाए घर परिवार वाले, धोखे से अगर इस तरफ आ गए ना तो जिंदा नहीं पहुंचेंगे वहाँ पर। तो आप प्रॉब्लम तो बता दीजिए क्या है। क्या बताए, तो ये वो ऑडियो था जिसमें इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको सुना नहीं सकते थे, और लगातार धमकी का ये मामला सामने आया। बीजेपी नेता ये कहता नजर आया कि अब अपने परिवार से कह देना कि वो मेहरौनी जाए सामान लेने। आखिर ये अधिकार आपको किसने दिया, किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप एक परिवार को, एक युवक को, उसके परिवार को शहर में नहीं घुसने देंगे। आमिर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आमिर, आखिर बीजेपी नेता को अधिकार वहां किसने दिया कि वो किसी एक युवक को, एक व्यक्ति को, उसके परिवार को शहर में नहीं घुसने देंगे? क्या शहर का इन्हें अधिकारी बना दिया गया है या शहर का इन्हें दारोमदार सौंप दिया गया है? क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे। गोपाल देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से किसी को आप फोन करते हैं और फोन पे उसको धमकी देते हैं कि आप
यूपी में सामान खरीदने जाएं, एमपी की सीमा में ना घुसें, यहाँ आएंगे तो जान से खत्म कर देंगे, ये बड़ा ही निंदनीय है। और एक भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी द्वारा इस तरीके की भाषा का उपयोग करना बड़ी ही निंदनीय बात है और गलत बात है। इसकी सभी जगह निंदा की जा रही है इस मामले की। और हम आपको विस्तार से जानकारी दे दें, आज से 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की और मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं राहुल तिवारी, उन्होंने यहाँ से जमलार का रहने वाला कृष्णकांत पाल है जो कि उसको फोन किया और उसको धमकाया, इसके साथ ही उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया। फिलहाल वह इस घटना की बात डरा रहा, 2 दिन बाद उसने कहीं जाकर इस ऑडियो को वायरल किया। ये ऑडियो हमारे पास आया, हमने सबसे पहले प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, किसी भी मीडिया संस्थान ने इस खबर को उठाने की जरूरत नहीं। आमिर आप बने रहिए हमारे साथ, कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत वही व्यक्ति हैं, वही युवक हैं जिन्हें धमकी मिली है, जिनसे बीजेपी नेता ने दबंगई की है, उन्हें धमकी दी है कि उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा शहर की सीमा में। कृष्णकांत क्या कुछ पूरा मामला है, आपको क्या कुछ कहा राहुल तिवारी ने, आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, राहुल तिवारी जी, मैं शाम मतलब 23 तारीख की शाम 6:30 बजे टीकमगढ़ जिले युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी हैं राहुल तिवारी जी, और उन्होंने फोन पे मेरे को जान से मारने की धमकी दी और ये भी बोला कि अगर तुम यहाँ टीकमगढ़ जिले की सीमा में दिखोगे तो जूते मारेंगे और आप यहाँ से बाहर जाइए, और जान से मतलब अवतरसील भाषा में बोलकर मेरे को गालियां दी और मुझे जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। आखिर क्यों, जिस तरीके से हम ऑडियो में भी ये सुनते नजर आ रहे हैं कि आप लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या कसूर है मेरा, आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप जिले की सीमा में नहीं घुसेंगे, हालांकि अधिकार उन्हें नहीं है कि जिले की सीमा में वो किसे घुसने देंगे या किसे घुसने नहीं देंगे, आखिर क्या वो वजह थी, क्या कुछ कारण भी इसके पीछे था? नहीं सर, कोई कारण नहीं है, ना मैं इतने जानता था इससे पहले, ना मेरे से कोई रंजिश है, मेरे को उसका कोई पता नहीं, इन्होंने मेरे को क्यों गाली दी और मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, बहुत मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर इन्होंने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की है और मुझे बहुत डर है। जिस तरीके से कृष्णकांत आप कहते नजर आ रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है, आप कलेक्टर के पास, एसपी के पास सुरक्षा को लेकर पहुंचे? जी सर, कल गया था और एसपी साहब बोले कि हाँ, और बोले कि इसकी जांच होगी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के बारे में नहीं बोला कि तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी इसके लिए, आपके परिवार को इसके लिए नहीं बोला, मुझे बहुत डर है, सुरक्षा मुझे चाहिए मेरे परिवार को इसके लिए। कृष्णकांत, इस समय आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों की जनता सुन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस प्रकार की सुरक्षा की मांग करना चाहेंगे? जी सर, मुझे सुरक्षा चाहिए ऐसे बाहुबली दबंग लोगों से जो जान से मारने की धमकी दे रहे हो, और मैं एक गरीब किसान का बेटा और एक जिला अध्यक्ष एवं मोर्चा, मेरी उनकी तुलना की जाए तो मैं उनके आगे कुछ नहीं, और मेरे को धमकी इसमें दी जा रही है तो मुझे सुरक्षा तो चाहिए सर। बिल्कुल कृष्णकांत, आपकी FIR दर्ज कर ली गई है? हाँ, कल हमने आवेदन दे दिया था, एसपी महोदय जी को आवेदन दे के आए थे, और अब उस पर कोतवाली जी, कोतवाल बोले इस पर जांच चलाई जाएगी। अब तो 23 तारीख का ये मामला है, आज 29 तारीख हो रही है, क्या वहां पर अभी तक जांच भी पूरी नहीं हो पाई है, जो ऑडियो भी आपने वायरल किया, क्या कहना है फिलहाल वहाँ पे TI और SP का, FIR आखिर अब तक दर्ज क्यों नहीं हुई है? मतलब सर, एक तो प्रशासन की इसमें कुछ लापरवाही है, इसमें मतलब कुछ प्रशासन भी ऊपर से उनकी मतलब उनकी सरकार है तो प्रशासन भी इसमें रुका हुआ था कार्रवाई करने के लिए, और मैं डरा सहमा था तो मैं घर से थोड़ा बाहर था, डरा सहमा था मैं छिपा हुआ था, फिर मुझे कुछ लोगों ने मतलब फिर मेरे को मतलब हमारे कुछ लोगों फिर हमें यहाँ पे आए, कुछ हिम्मत बताई मैंने जुटाई अपने अंदर, और फिर मैं यहाँ तक आ पाया, मैं उनसे डरे और सहमा हुआ था डर के लिए। कृष्णकांत, आपको डरने सहमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस समय आपको 3 प्रदेशों की जनता सुन रही है, अफसर सुन रहे हैं, सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज अब जो है मीडिया ने आपकी आवाज को अपनी आवाज से मिलाया है, PCC चीफ कमलनाथ ने भी आपकी आवाज को उठाया है और शिवराज सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि ये कैसा कुशासन है, तो आप निश्चित रूप से वहां बड़े नेताओं के संपर्क में जाएं और उसके साथ ही पुलिस अधिकारियों के पास जाएं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी आप ये शिकायत करें,
क्योंकि बड़ा मामला है, एक नेता को अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो किसी व्यक्ति से ये कह दे कि आप इस जिले की सीमा में नहीं घुसेंगे या आप कहीं और किसी और तहसील मेहरौनी, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि मेहरौनी में जाकर सामान ले, आखिर क्यों टीकमगढ़ में क्यों नहीं? सर मेरे को इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो, मेरे को कुछ पुष्टि नहीं हो पाई इस बयान को, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया मेरे को अभी तक इस बात की कोई ना, मेरे उनसे कोई प्राण रंजस है ना मेरे फैमिली की। मेरे पापा बाहर वर्क करते हैं करीब 8 साल से, और मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं भी बाहर स्टडी करता हूँ 2 साल से। अब मेरे को ये नहीं पता है इन्होंने मेरे को क्यों फोन किया, क्यों ऐसी धमकी दी, उसका मेरे को कोई पता नहीं। कृष्णकांत आप भी हमारे साथ बन रही है, आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। आमिर जिस तरीके से कृष्णकांत लगातार बता रहे हैं कि शिकायती आवेदन तो कोतवाली में ले लिया गया है लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है। देखिए गोपाल बिल्कुल बताना चाहूंगा, बड़ा ही गंभीर मामला है, आज 23 तारीख से 29 तारीख हो गई और कोई कार्रवाई नहीं। अब कहां, जब हमने कल रात को इस मामले को दिखाया, इस मामले को दिखाने की तत्काल बाद फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि कृष्णकांत काले के पापी के नाम से एक फेसबुक आईडी क्रिएट की है और उससे जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं राहुल तिवारी उन्हें गालियां दी हैं। फिलहाल एक कृष्णकांत का से जब इस संबंध में बात की गई थी तो कृष्णकांत का साफ कहना है कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, किसी ने मेरे अकाउंट को हैक किया या उसके नाम से क्रिएट किया, इसके बाद इस पे गालियां लिखी और ये सब तब हुआ जब ये ऑडियो वायरल हो चुका था। तो कहीं ना कहीं अब षड्यंत्रबाजी शुरू हो चुकी है और फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये मामला कहाँ है, इसकी तहत पुलिस को जाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात कृष्णकांत की शिकायत की, तो कृष्णकांत ने जो शिकायत की उस शिकायत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल जो राहुल तिवारी ने एक शिकायत कोतवाली थाने में हमें तक जहाँ तक जानकारी है शिकायत राहुल तिवारी ने की, उस शिकायत पर कृष्णकांत के खिलाफ IT Act का प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। कहीं ना कहीं सत्ता का रसूख है और पुलिस प्रशासन ने सत्ता के रसूख के दबाव में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और कृष्णकांत की जो शिकायती पत्र है उस शिकायती पत्र को अभी जांच में लिया गया है गोपाल। आमिर जिस तरीके से आपने बताया कि IT Act के तहत कृष्णकांत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि हम राहुल तिवारी से लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर वो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आप फोन उठाएं और बात करें कि आखिर ये मामला क्या है। तो आमिर जिस तरीके से आपने बताया कि फेसबुक पर एक आईडी क्रिएट की गई और आईडी से गालियां दी गई हैं राहुल तिवारी को, ये पोस्ट कब की है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कब ये पोस्ट की गई, क्योंकि ये जो मामला है ऑडियो का ये 23 तारीख का जिस तरीके से आपने बताया। देखिए लगातार मैंने इस खबर को उठाने के पहले जिस दिन हमने ब्रेकिंग चलाई थी आज से 3 दिन पहले, जब हमने राहुल तिवारी से संपर्क किया था और उनसे कहा था कि आप अपना जो पक्ष है वो हमारे सामने रखें, मीडिया के सामने रखें, अगर आप इसमें गुनहगार नहीं है और अगर आपने किसी को गालियां नहीं दी हैं। तो फिलहाल उन्होंने एक कड़े लहजे में ये कहा था कि आप तो खबर चलाइए मैं मानहानि कर दूंगा, और धमकाने का एक प्रयास किया गया था मुझे भी फोन पर, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है वो दो तीन हो जिस वजह से मीडिया के सामने नहीं आ रहे हों। तो फिलहाल ये जांच का विषय है कि कौन सा IT Act का पेज, और इस IT Act के पेज के बारे में जब हमने जो पेज फेसबुक पे डाला है उसके बारे में हमने कृष्णकांत से बात की तो कृष्णकांत ने आवेदन जो पुलिस अधीक्षक को दिया उसमें भी ये लिखा गया है कि मेरे नाम से एक फर्जी फेसबुक ID क्रिएट कर मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसाने की साजिश है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद इस पेज को तैयार किया गया और तैयार करने के बाद कृष्णकांत को फंसाया गया हो। फिलहाल सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि कृष्णकांत के साथ 23 तारीख को घटना होती है, इसका ऑडियो वायरल होता है, कृष्णकांत के खिलाफ FIR पुलिस में दर्ज कर ली जाती है, लेकिन जो ऑडियो वायरल होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो सवाल तो यही है कि स्क्रीन शॉट जो फेसबुक के आज आए हैं, इनके आने के पहले कृष्णकांत पर FIR होती है, जिसका ऑडियो आता है उसे धमकाया जाता है, और कृष्णकांत की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होना एक सवालिया निशान इस सत्ता पक्ष पर खड़ा करता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आगामी विधानसभा में टीकमगढ़ में देखने को मिल सकता है गोपाल। आमिर बिल्कुल, कृष्णकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णकांत किस तरीके का आप पे आरोप एक लगा हुआ है, IT Act के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है ये जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या आला अफसरों के पास आज आप जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है आपके खिलाफ ही अब मामला दर्ज कर लिया गया है। जी सर, मेरे खिलाफ उन्होंने, मेरे को जानकारी मिली थी, ये मिली है कि इन्होंने फेसबुक अकाउंट पर मेरे नाम से 24 तारीख को फेक ID बनाई और इन्होंने 24 तारीख को शाम 3 बजे इन्होंने फेक ID बनाकर और
अपने आप को मैसेज किए, गंदी भरे, गाली भरे, और मेरे को फंसाया गया और मेरे खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज की। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही सर, प्रशासन ने मेरा वायरल पहले हुआ था ऑडियो, उससे कार्रवाई नहीं हुई आज 6 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन उनके उस मतलब अवध भाषा वाले उस मैसेजों की और उनपे जल उनकी जलने कार्रवाई होने लगी, मेरी उस ऑडियो की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक राजनेता आदमी की कार्रवाई पे प्रशासन जल नहीं, लेकिन एक गरीब किसान के बेटे के लिए क्यों नहीं? कैसी निश्चित रूप से हम आपकी पीड़ा यहाँ समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप तो एक आम आदमी हैं, एक ह्यूमन बीइंग वहां पर जो शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन देश का एक प्रतिष्ठित चैनल उन्हें लगातार संपर्क कर रहा है, एएसपी साहब सुरेंद्र कुमार जैन जी से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वो फोन पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्यों साहब, आपकी ड्यूटी है ये बताना कि आखिर इनका मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? आईटी एक्ट के तहत इन पर ही आरोप दर्ज मामला दर्ज कर लिया गया। राहुल तिवारी आखिर इतने बड़े नेता हैं टीकमगढ़ के, कि एक युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनको शहर में नहीं घुसने देंगे, उनका मामला उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई। कृष्णकांत एक गरीब व्यक्ति है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। हालांकि कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मुद्दे को उठाया है, अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर किया है, ऑफिशियल फेसबुक वॉल पर, मामला गंभीर होता जा रहा है। लेकिन प्रशासन का आप रुख देख सकते हैं कि प्रशासन का जिस प्रकार से ढुलमुल रवैया लगातार दिखाई दे रहा है, एएसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, राहुल तिवारी फोन नहीं उठा रहे हैं, एएसपी साहब ने बात करने से इनकार कर दिया है। कृष्णकांत आगे आपकी क्या रणनीति होने वाली है? आपके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, कांग्रेस नेता अब आपके संपर्क में आएंगे, कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको जो है समर्थन दिया है, उन्होंने आपकी वीडियो शेयर की है, शिवराज पर आरोप लगाए, शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि कैसा कुशासन है, आगे जाएंगे मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे, क्योंकि अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे आगे, आपकी रणनीति क्या होने वाली है? अगर सर मेरे को अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर सकता हूँ। जो हमारे जिले के पूर्व विधायक जी अरविंद सिंह मंडेला जी, उन्होंने मेरे को इस समय साथ दिया और उन्होंने मेरी आवाज को उठाया, मेरे को हिम्मत दी, उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, अब बस मैं उन्हीं के पास जाके कुछ करूंगा। निश्चित रूप से आप जरूर जाइएगा, क्योंकि प्रशासन जो है वो अब लगातार ये नजर आ रहा है कि राहुल तिवारी जो है उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, लेकिन आप आवेदन दे चुके हैं और आपके आवेदन पर अभी जांच ही चल रही है। कृष्णकांत बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आमिर, लगातार जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, एएसपी साहब फोन देने से, फोन पर बात करने से मना कर रहे हैं, राहुल तिवारी फोन उठा नहीं रहे हैं, आखिर क्या माना जाए इसे? बिल्कुल, यहाँ अगर फोन पे बात नहीं की जा रही है, दोनों से हम संपर्क कर रहे हैं और मैंने भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की। फिलहाल कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो है ना, दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कृष्णकांत को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा हो। और जब उन्हें ये पता चला कि इस मामले में कमलनाथ ने भी हमारी खबर पे मोहर लगाई है और कमलनाथ भी अब सामने आ चुके हैं, इस कांग्रेस के कद्दावर नेता का पीड़ित के पक्ष में उतरना, कहीं ना कहीं हो सकता है इनको डर हो कि ऐसा नहीं कि ऊपर से जा जिन पर गिरे। और फिलहाल ये मामला सीम पकड़ चुका है, प्रदेश स्तर तक का ये मामला हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि इसकी जो जांच है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए और पीड़ित को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष पर कार्रवाई की है, अगर गाली का मामला है, आईटी एक्ट आपने बनाया है, तो ऑडियो में भी ये साफ है, धमकी दी गई है, जाति सूचक शब्दों से उस पीड़ित को बोला गया है, इसके साथ ही तमाम तरह की गालियां भी उसे दी गई हैं इस ऑडियो में। तो फिलहाल जो पीड़ित है कृष्णकांत, उसकी भी शिकायत पर FIR दर्ज होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि ये जो कुशासन वाली बात कमलनाथ जी ने कही है, तब ये सुशासन हो पाएगा। कमलनाथ, निश्चित रूप से आमिर जो है, लगातार कमलनाथ ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर से शेयर किया है, चैनल के वीडियो को शेयर किया है, जो वीडियो आपके द्वारा अपलोड किया गया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाजपा युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं राहुल तिवारी, उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, एक ऑडियो वायरल हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को हम एक बार फिर वो ऑडियो सुनाते हैं कि आखिर राहुल तिवारी और ये पीड़ित जो युवक है कृष्णकांत, इनके बीच की बातचीत क्या हुई थी। लगातार उस बातचीत में कृष्णकांत ये कह रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है कि मैं मेहरौनी सामान लेने जाऊं लगातार, लेकिन राहुल तिवारी ये कहते नजर आए थे कि तुम अब टीकमगढ़ की सीमा में दिख नहीं जाना। हेलो, तो आप बता दो ना, आपसे छोटा छोटा भाई समझ के बता दो,
आप मेरे को इतना नहीं बता सकते। अब आमने सामने बात करेंगे तुमसे या तुम्हारे परिवार का जो मिल गया वो बताएगा आप समय। तो आप मेरे को नहीं बोलोगे? और एक चीज और, अपने घर वालों को बता देना सामान लेने मेहरौनी जाएं वो। क्या सामान लेने मेहरौनी जाएं घर परिवार वाले? धोखे से अगर इस तरफ आ गए ना तो जिंदा नहीं पहुंचेंगे वहां पर। तो आप प्रॉब्लम तो बता दीजिए क्या है। क्या बताएं?